देवास में लोकायुक्त पुलिस ने बालगढ़ स्थित कृषि अभियांत्रिक विभाग में पदस्थ सहायक कृषि यंत्री को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। भ्रष्ट सहायक कृषि यंत्री आगर जिले के सुनसेर में रहने वाले किसान से 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट रिश्वतखोर सहायक कृषि यंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही कर 50,000 रुपए की निजी मुचलके। किसान जगदीश पाटीदार के भतीजे बलराम पाटीदार ने कृषि योजना के अंतर्गत हाईटेक हब की स्थापना के लिए 53 लाख का लोन लिया था। इसको लेकर शासन की ओर 40% सब्सिडी थी, जिसमें करीब 21 लाख का अनुदान मिलने वाला था। इसके सत्यापन करने के लिए सहायक कृषि यंत्री योगराज सवारकर से संपर्क किया और सहायक कृषि यंत्री ने सत्यापन के एवज में 50,000 रुपये की मांग की, जिसके बाद पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपये देने की बात तय हुई। रिश्वत की मांग को लेकर किसान ने उज्जैन लोकायुक्त एसपी गितेश गर्ग को शिकायत की है। लोकायुक्त की टीम में केमिकल लगे नोट किसान को दिए और सहायक कृषि यंत्री को पकड़ने की रणनीति बनाई, जिसके बाद केमिकल लगे 20,000 रुपये लेकर बालगढ़ स्थित कृषि अभियांत्रिकी विभाग भेजा। जैसे ही सहायक कृषि यंत्री योगराज सवारकर ने 20,000 रुपये लेकर लिए और जेब में रखे, लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। देवास से नितिन राठौर की रिपोर्ट। किस योजना का पैसा था ये? हाईटेक हब का लोन था हमारा। कितना लोन था ये? ये 53 लाख का था। ये 53 लाख में से सावरकर जी ने कितने मांगे थे आपसे? 50,000 रुपये मांगे थे। आपने कितना दे चुके थे अभी तक इन्हें? इनको नहीं दिया था हमने, 20,000 रुपये दिया दिए हमने। आपका नाम? जगदीश पाटीदार। निवासी? पायली, तहसील सुसने, जिला अगर मालवा। लोकायुक्त छापा पड़ा है, क्या क्या आरोप लगाया आप? मैं तो अपने ऑफिस में था जी, बाहर घूम रहा था, तो ये हाईटेक कस्टम हायरिंग सेंटर सुसनेर में पहली गांव का जो किसान के चाचा है जी, वो मेरे टेबल पे आके लाके पैसे रखे रख दिए। और जब मैं आया तो मैं तो देख के हड़कंपा हो गया, बाहर से लोग पकड़ लिए जी। सर क्या आरोप लगाए आप? ये था कि इनके सेंटर पे एक दो ट्राली है, दोनों का कलर ब्लू है, आरटीओ के साइड में स्पष्ट दिख रहा है। वन कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे समर्थन में देवास जिले के वन कर्मचारी 7वें दिन भी अपनी 19 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हड़ताल पर है। हड़ताल के समर्थन में पूर्व महापौर जय सिंह ठाकुर ने अपनी ओर से नैतिक समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में वन कर्मियों की न्यायोचित मांगों को शामिल करने का आश्वासन दिया। हड़ताल के 7वें दिन प्रांतीय आह्वान पर 5 कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल कर शासन के प्रति रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रघुवेंद्र तिवारी सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। देवास से नितिन राठौर की रिपोर्ट। आपके संगठन के लोग भोपाल में बैठे, उनको सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? जिस तरह से हमको यहाँ सुनने में आ रहा है, हमारे जो माननीय तिवारी सर हैं उनकी तरफ से जो हमको सुनने में आ रहा है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि सरकार हमको हर दिन छल रही है, हर दिन हमारी जो मतलब हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो हड़ताल करेंगे मैं उनकी नहीं सुनूंगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि 4 मई से लेकर 24 मई तक के बीच में हम साधारण मौन धारण थे, जो हमारा कर्तव्य था, तेंदुपत्ते में हमारी ड्यूटी थी, हमारे साथियों ने सबने ड्यूटी व्यवस्थित की, और आज भी हमारे साथी हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन उन साथियों के मन में सिर्फ और सिर्फ अपने वनों की रक्षा को लेकर चिंता है। आज भी वो यही सोच रहे हैं कि जैसे ही हमारी हड़ताल खत्म हो हम अपने वनों की रक्षा करें चाहकर। और अपना हड़ताल का आपका कौन सा दिन है और किस तरह से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा हड़ताल का आज 7वां दिन है और हम आज भूख हड़ताल करके विरोध दर्ज कर रहे हैं। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल करके लगभग 200 साल से अंग्रेजों ने राज किया है, उनको है तो भारत से बाहर कर दिया था। इसी तरह सरकार नहीं सुनेगी तो हो सकता है ये सरकार बाहर हो जाए। अभी आगे आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी जितने नीचे से लगा के ऊपर जो भी है फील्ड अधिकारी की मांगे चूर है, वो हमारे कर्मचारियों की मांग नहीं सुन रहे हैं। इसी संदर्भ में हम यहाँ हड़ताल का जो उनकी मांगे हैं उसके समर्थन में हम यहाँ आए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी हड़ताल तोड़वाए और कर्मचारियों को उचित आश्वासन देकर इनकी हड़ताल तोड़वाए। आप कांग्रेस के नेता, अगर आपकी